थर्ड से कैप कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू सेशन सो स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट लॉ एंड सोशल जस्टिस जिसमें हम ले रहे थे अबाउट द प्राइवेट कंपनीज एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स तो इसमें हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज इन एक्ट करते हैं बहुत सारे एक्ट पास करते हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द राइट्स

वर्क नहीं करना था ओके okay? और उसके बाद हमने देखा कि लॉ क्यों पास हुआ था नाउ इट वाज टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ दी वर्कर्स ओके कि वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सके उसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा राइट right है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्कर्स को एक्सप्लेटेशन से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत सारे राइट्स हैं और वो एक राइट right है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेटेशन जिसके तहत कोई भी वर्कर फोर्सफुली लो वेजेस पे वर्क नहीं कर सकते है ऑल्सो अंडर बॉन्डेज नहीं वर्क कर सकते है उसपे हमने चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट के बारे में पढ़ा जो 2006 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था तो बच्चों उसमें हमने देखा दैट हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर को बैन किया था उसका मतलब क्या होता है प्लेस अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी ढाबाज में टी शॉप में या रेस्टोरेंट में वो वर्क नहीं कर सकते उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको उन्होंने डायरेक्ट किया कि कि कहीं भी भी अगर उनको उनको मिले कि जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको किया जाए और उसके बाद उन्हें एक अच्छी जगहो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लेशन राइट तो ये सारे पॉइंट में कवर किया था नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है जो हमारे कंट्री में हुआ था राइट right? तो हम इसमें भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पढ़ने वाले सो स्टार्ट भोपाल गैस ट्रैजेडी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भोपाल कहाँ पे है सिचुएटेड तो मध्य प्रदेश स्टेट में आप इसे मैप में भी लोकेट कर सकते हो ओके सो द भोपाल डिजास्टर आल्सो रेफर्ड टू एज The the Bhopal gas gas tragedy was a gas leak incident in India, considered the world's worst industrial disaster. Okay, भोपाल गैस ट्रेजेडी और ये क्या था बच्चों तो ये गैस लीक इंसिडेंट था ओके okay? और ये हमारे कंट्री में हुआ था और इसे वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये क्या ट्रेजेडी था और ये कब हुआ था और इसमें क्या क्या इनके से क्या, -क्या हुए थे हमारे कंट्री के लोगों को वर्कर्स वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हो बच्चों नाउ दिस इज पिक्चर ऑफ दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी ओके इट अकर्ड

पेस्टिसाइड प्लांट इंडस्ट्री था जो कि भोपाल में सेटअप किया गया था और ये कब हुआ था ये जो डिजास्टर था इट हैपेंड इन 1984 तो आपके लिए डेट्स और ये नाम काफी है ओके okay? और ये यूनियन कार्बाइड जो है बच्चों ये फॉरेन कंपनी ये हमारे कंट्री में इन्होंने एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वॉज दी यूनियन कार्बाइड इंडिया इंडिया लिमिटेड कंपनी

मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको हम लोग एमआईसीबी कहते हैं और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स एक्सपोज हो गए थे लाइक लीक हो गए थे ये इंडस्ट्री में ओके okay? अब आप सोच सकते हो कि इतना पॉइजनस गैस इतना पॉइजनस केमिकल अगर ये लीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका बैड इंपैक्ट किसके ऊपर होगा द वर्कर्स हु आर वर्किंग देयर या फिर जो रेसिडेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे नाउ

इतना पॉइजनस केमिकल और इतना पॉइजनस गैस के कांटेक्ट में आने की वजह से ये काफी सिक हो गए और इसकी वजह से ये आज तक काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हो दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी उसके अलावा आप देख सकते हो जो पोअर फैमिली के फै लोग हैं बच्चों वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये जो गैस लीक हुआ था इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर पड़ा था राइट और ये किसकी गलती थी ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री की गलती थी जिन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे और इसका इंपैक्ट सिर्फ वर्कर्स को झेलना पड़ रहा था ओके डेवलप्ड सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स

और ये हमारे वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है दैट इज द भोपाल गैस अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हैं हम इसका ले रहे ताकि हमें समझ में आए कि जो भी इंडस्ट्रीज सेटल करते हैं या सेटअप होते हैं हमारे कंट्री में चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो चाहे वो इंडियन कंपनीज हो तो बहुत सारे कंपनीज अपनी प्रॉफिट के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले पाते हैं और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट

अभी एक फॉरेन कंपनी है और इन्होंने इंडिया में अपना एक प्लान इंडस्ट्री क्यों किया था, राइट right? और ये क्यों हुआ था कैसे हुआ था इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सो अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूनियन कार्बाइड फॉरेन कंपनी इन्होंने इंडिया में ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप क्यों किया था यहाँ पे आप पिक्चर देखो नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ योर भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट इज यूनियन कार्बाइन इंडिया लिमिटेड कंपनी नीजन वाई फॉरन कंपनी तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है की फॉरन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करते हैं तो जो फॉरिन कंपनीज होते है बच्चों वो इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं और इसका सबसे मेन रीजन होता है की उन्हें इंडिया में बहुत ही कम ले बहुत ही कम चीप ले पे लेबर्स मिल जाते हैं Right? बहुत ही लो वेजेस पे लेबर मिल जाते हैं जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस में भी कवर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अमेरिका है बच्चों वहा मिलता है जो वेजेसू पे वर्कर्स इन पोअर कंट्रीज लाइक इंडिया तो हमें पता है इंडिया कंट्री। और अगर हम USA, that is United States of America, की बात करते हैं so तो कंट्री में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं बच्चों अगर उसे हम इंडिया से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल मानते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उन्हें चीप लेबर पे बहुत सारे वर्कर्स मिलेंगे हमें भी पता है कि हमारे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज की कितनी कमी है और इसकी वजह से जो लो वेज़ेस वर्कर होते हैं वो प्रेशर में आके ऐसे, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में कंडीशन में वर्क करते हैं और इसी की वजह से अगर अच्छे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते हैं तो उन्हें उसका रेप्रिक देखना पड़ता है राइट right? जैसे हमने यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा तो ये पॉइंट आपको समझना होगा और याद रखना होगा कि फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में सेटअप करते हैं तो इट इज मेनली डन फॉर चीप लेबर ऑल्सो फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क अब आप देखो कि जो लोअर पे होता है उसकी वजह से जितने भी आपके फॉरेन कंपनीज हैं यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें वो काफी घंटे के लिए काम करवा सकते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस एक्सपेंसिसिटीज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर फ्यू। उसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाउसिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं जो वर्कर्स को दिया जाता है वो भी काफी कम रेट पे होता है दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो भी वो अपने कंपनीज को रन करते हैं दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर प्रोफिट जहां अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं और यही हुआ था इस कंपनी के साथ भी ओके okay? तो यहाँ पे हमें देखना है कि कंपनीज के मेन मोटिव होते हैं टू अर्न प्रॉफिट और ताकि वो अपने एडिशनल कॉस्ट को बचा सके कॉस्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मींस और ये जो कॉस्ट कटिंग है इसको बहुत सारे अदर डेंजरस मीन्स के साथ भी किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी तो अगर हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की या जो इंडस्ट्रीज जहां पे एक सिचुएशन हो सकता है अगर वैसे इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें कुछ सेफ्टी मेजर्स की ट्रेनिंग दी जाती है अगर हम हमारे कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी इन सेफ्टी मेजर्स के लिए बच्चों काफी कम कॉस्ट रखा जाता है इसमें कॉस्ट कटिंग की जाती है और उसी की वजह से जो कंपनीज होते हैं वो काफी एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो जो सेफ्टी मेजर्स होता है वो काफी लोअर होता है लाइक उनकी क्वालिटी जोने समझाने की क्वालिटी होती है वो भी काफी कम होती है ओके अब यहां पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो दीज आर द वर्कर्स who are forcefully working at lower wages so in the uc plant every safety device was malfunctioning or was in short supply agar hum union carbide plant ka example le to yahan pe jo safety device the right वो या तो बहुत ही माल फंक्शनिंग थे राइट वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे या फिर उनका सप्लाई काफी कम था Therefore, between 1980

1980 to 1984. पहले 12 वर्कर्स काम कर रहे थे इस पे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6 वर्कर्स को लगाया गया पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ऑल्सो ब्रॉट डाउन फ्रॉम सिक्स 15 डेज अब उसके बाद आप देखो कितनी स्ट्रेन सी बात है कि वर्कर्स सब छोड़कर प्रेशर में आकर इन सारे इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं दे ऑल्सो नॉट केयर अबाउट देयर लाइफ और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है जो हर एक वर्कर्स को मिलना चाहिए जैसे अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखा कि गैस लीक हो गया तो कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ऐसे कंडीशन में तो उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और ये पहले 6 मंथ का होता था लेकिन यहां पे रिड्यूस किया गया 15 डेज का अब 15 डेज में वर्कर्स कितने सेफ्टी मेजर्स को समझ पाएंगे राइट सोचने की बात है और इसी का रिपोर्टेशन था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि यूसी प्लांट में हुआ था तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा इन टूडे क्लास उट द भोपाल गैस ट्रेटेडी दुक प्लेस इन दिसंबर उसकी वजह से जो पुअर फैमिली थे जो वर्किंग क्लास थे उन्हें किस तरीके से झेलना पड़ा कितने लोगों की डेथ हो गई वो हमें ट्रेटी से पता चलता है देन वी टॉक्ट अबाउट व्हाट्स वर्कर्स वर्ल्ड जिसमे हमने समझा की क्यों फॉरिन कंपनी इंडिया में आके से करते हैं दैट इज मेनली फॉर द चीप लेबर ओके So Pachu, in our next class, we are going to continue with this topic and also we are going to look over about the workers, the condition of workers. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.